students welcome to my youtube channel nva academy my name is tolika sharma and today i am going to teach you pronoun that is second point of parts of speech but before starting my video i would like to request you or please like comment share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon okay so let's start with point 2 pronoun अ प्रोनाउन इज़र्ड अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन आफ्टर द नाउन हैज़ बीन मैंशन वंस प्रोनाउन होता क्या है प्रोनाउन नाउन के जगह पर यूज़ होने वाला वर्ड है जब हम नाउन को एक बार यूज़ कर चुके होते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम नाउन दोबारा नहीं लिखेंगे उसकी जगह पर हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे सपोज़ आपने लिखा राम इज अ बॉय राम इज़ गोइंग टू स्कूल तो हम दो दो बार या तीन तीन बार उसे रिपीट नहीं करेंगे हम बस एक बार राम लिखेंगे दैन उसकी जगह हम यूज़ करेंगे ही का और ही क्या है यहाँ पर प्रोनाउन जैसे राम इज़ अ बॉय ही इज़ गोइंग टू स्कूल तो यहाँ राम हो गया हमारा नाउन और ही हो गया प्रोनाउन प्रोनाउन क्या हो गया हमने राम की जगह ही यूज़ करा तो नाउन की जगह हमने ही यूज़ करा तो क्या हो गया जो नाउन की जगह हम जो यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं प्रोनाउन ठीक है तो हम इसमें कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं आई मी ही शी हर सेल्फ यू इट दे ईच फ्यू मैनी हु एवर हु समवन एवरीबडी एक्सेट्रा ये हमारे सारे प्रोनाउंस होते हैं इनका हम धीरे धीरे नीचे डिस्कशन करते हैं आपको बताएंगे ये बहुत इजी है इंग्लिश जितना आप हार्ड सोचते हैं इतना हार्ड है नहीं अगर आप जैसे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं उसे आप डेली प्रैक्टिस करेंगे या आपको कोई भी डाउट होगा आप तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं तो इतना आपको टिपिकल नहीं पड़ेगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकेंगे तो अब हम प्रोनाउंस में टाइप्स बताते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन तो सबसे पहला हमारा टाइप है इसमें पर्सनल प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग दे आर फॉर्म चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पर्सन नंबर जेंडर और केस पर्सनल से ही आपको समझ में आ रहा है पर्सनल पर्सनल से आपको समझ में आ रहा है अपना यानी स्पेशल स्पेसिफिक तो पर्सनल प्रोनाउंस में हम किसके बारे में बात करते हैं जो एक हमें स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के बारे में बताती है ठीक है तो हम आपको एग्जांपल बताते हैं जैसे पर्सनल प्रोनाउन के हमारे एग्जांपल्स हैं आई यू हर हिम इट अस यू दैम मे ही दे माइंड योर्स अब देखिए आई टुक अ बस टू स्कूल इसमें हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गया आए देन सेकेंड में देखिए ही इज़ वेटिंग एट द एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट पे वेट कर रहा है कि ही यानी कि वो पर्सनल प्रोनाउन में आ गया है ओके देन नेक्स्ट द पुलिस ऑफिसर टोल्ड मी एंड माई ब्रदर टू स्लो डाउन पुलिस ऑफिसर ने क्या बताया Uh, मेरे से और मेरे भाई से बोला कि धीरे चलें तो इसमें हमारा मी हो गया पर्सनल प्रोनाउन देन नेक्स्ट द बॉक्स वॉज ब्रोकन बाय दैम बॉक्स उनके थ्रू तोड़ा गया या उनके द्वारा तोड़ा गया तो इसमें हमारा डैम आ गया पर्सनल प्रोनाउन द नेक्स्ट इज़ इज दिस बुक योर्स और हिज़ क्या ये तुम्हारी बुक है या उसकी बुक है तो इसमें हमारे दो पर्सनल प्रोनाउन हैं फर्स्ट इज़ योर्स एंड नेक्स्ट इज़ हिज़ ए लास्ट ऑल द बुक्स आर माइंड ये सारी बुक्स मेरी हैं मेरी पर्सनल प्रोनाउन माइंड इसमें जितने भी हाईलाइट हो रहे हैं ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन और इनकी पहचान क्या है जो हमें बताता है स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के बारे में दैन नेक्स्ट इज़ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट द नाउन और प्रोनाउन दे रेफर्स टू डेमांसट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन को पॉइंट आउट करने में जैसे हम उसको पॉइंट आउट करते हैं ना बताते हैं ये वो लड़का ये लड़की इस टाइप से पॉइंट आउट करते हैं उसे ही हम डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस दीज डैड दो एक्सेट्रा लेट सी द एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर वन इज दिस इज़ माई बुक इन दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डैट इज़ द पर्सन आई वॉज टॉकिंग आउट ये वही पर्सन है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था तो दिस डैट इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए दोज आर द पेन्स आई वॉज लुकिंग फॉर उसने बताया वो ये वही पेन हैं जिनके जिनको मैं ढूंढ रहा था दोस डैट डिस ये हमारे हो गए डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन द नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस से ही आप समझिए जहाँ पे भी इंटेरोगेटिव वर्ड आए उसका हम पहचान कर सकते हैं कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है क्योंकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क कोशंस इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में क्वेश्चनस पूछे जाते हैं वो हमेशा यूज होते हैं वहाँ जहाँ पर क्वेश्चनस पूछे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल हुम विच वॉट इसमें डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज़ होता है तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हु इज़ वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट तो अब ये इसमें पूछ रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर कौन काम कर रहा है ये क्वेश्चन हो गया लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क लग गया है आप देख सकते हैं ये रहा इसका क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट में भी क्वेश्चन मार्क हमारे दे रखा है तो डब्ल्यू एच आ गया है इसमें हु तो ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आ गया हुम डज दिस बैग बिलोंग टू ये बैग किसको बिलोंग करता है मतलब ये बैग किसका है तो ये भी हमारा डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है होम से तो ये भी हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में आ जाएगा देन नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू लिंक टू फेजेस रिलेटिव से ही समझ में आ कि वो उसके रिलेटिव यानी रिलेशन दोनों किसी भी दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन बनाता है बताता है लिंक करता है फ्रेजेस uh, को टू फ्रेजेस को टू सेंटेंसेस को आपस में लिंक करता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल हुम डैट विच हुए एवर हुम्सोएर विच एवर एक्सेट्रा का इसमें यूज़ होता है आपको धीरे धीरे आपको ये सब वर्ड्स अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि हमें पता चले कि पर्सनल प्रोनाउन में हमारे कौन से वर्ड यूज़ होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे कौन से वर्ड यूज़ होते हैं इंटेरोगेटिव में हमारे कौन से वर्ड्स यूज, यूज होते हैं और रिलेटिव में हमारे कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं तो अब हमारा था है इसका एग्जाम्पल हु एवर एडिट द बिल मेड अ मिस्टेक इसमें ये बता रहा है जिसने भी बिल ऐड करा है उसी ने ही मिस्टेक करी है यानी कि वो उसे मतलब ये नहीं कह रहा है कि बिल किसी और ने बनाया और मिस्टेक किसी और ने करी है इसने लिंक कर दिया है हुएर से हुए एडिड द बिल जिसने भी बिल ऐड करा है मेड अ मिस्टेक उसी ने ही मिस्टेक करी है हेयर हु एवर इज़ जॉइनिंग एडेड द बिल विद मेड अ मिस्टेक इसमें हमारा जो हुए है वो दोनों सेंटेंस को लिंक कर रहा है दोनों हमारे फ्रेजेस कौन से हैं एडेट द बिल एंड मेड अ मिस्टेक ओके क्लियर द नेक्स्ट द वेटर हु सर्वड अस डजेंट नो हाउ टू ऐड वो बता रहा है जिस वेटर ने हमें सर्व करा है उसे नहीं पता कि कैसे ऐड करना है हाउ टू ऐड तो इसमें हु इज़ ज्वाइनिंग द वेटर अस एंड डजेंट नो हाउ टू ऐड उसमें यह बता रहा है कि जो हु वर्ड है वो हमारे दोनों सेंटेंस को फ्रेजेस को लिंक कर रहा है जैसे हु इज लिंकिंग द टू फ्रेजेस डेट इज सर्वड अस वेटर अस एंड देन डजेंट नो हाउ टू ऐड ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन डेमॉन्स्ट्रेटिव इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन